नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्यारा सा चैनल भरसुआ एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग अ ड्रीम ऑफ सर्जरी, जो आपका क्लास टेंथ का फुटप्रिंट बुक का चैप्टर है, इसका हम लोग टोटल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना है और साथ में सारे क्वेश्चन को आप लोग को समझते चलना है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए अ ड्रीम ऑफ सर्जरी, ये जो चैप्टर है इसका राइटर कौन है? जेम्स हेरियट। ठीक है, इसको आप लोग पहले कंफर्म कर लीजिएगा, जेम्स हेरियट। ठीक है, राइटर का नाम क्या है? जेम्स हेरियट। और ये इस चैप्टर में वो मिस्टर हेरियट के नाम से आप लोग को बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो जो कि एक वेटरनरी सर्जन रहते हैं, वेटरनरी डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसमें एक मिसेज पम्फेरे एक अमीर महिला रहती है, ठीक है, और साथ में एक डॉक्टर रहते हैं जिसका नाम रहता है मिस्टर हेरियट। ठीक है, और इसी में एक ट्रिकी नाम का डॉगी रहता है। ठीक है, अब होता है क्या है कि मिसेज पम्फेरे का पालतू पशु, पालतू जानवर, पालतू कुत्ता जो रहता है वो ट्रिकी रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा केयर करती है ट्रिकी का और बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, जिस कारण से उसका तबीयत ख़राब हो जाता है और फिर मिस्टर हेरियट उसको ठीक करते हैं। ठीक है, चलिए क्या चैप्टर है, हम लोग टोटल क्वेश्चन आंसर जब देखेंगे तो हम लोग और चैप्टर के बारे में और कुछ नया नया चीज़ें जानने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए, व्हाई इज मिसेज पम्फेरे वरीड अबाउट ट्रिकी। पहला क्वेश्चन हमारा कि मिसेज पम्फेरे जो है वो ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा उसको देखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, मिसेज पम्फेरे इज वरीड अबाउट ट्रिकी, मतलब मिसेज पम्फेरे जो है ट्रिकी को लेकर चिंतित है। बिकॉज ही वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी अब क्या हो रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पांटिंग, और वो सारा समय अपना बिस्तर पर लेटे हुए लेट कर हाँफते हुए बिताता था। रग का मतलब क्या हो जाता है? गलीचे। गलीचे यानी जहाँ पर कुत्ते सोते हैं उनका एक तरह से आप बिस्तर कह सकते हैं। ठीक है, और पांटिंग मतलब हाँफना हो जाता है। ठीक है, हाफ रहा था, ठीक है, अपना बिस्तर पे लेटा हुआ हाफ रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तब अगर मान लीजिए कोई घर में कोई कुछ नहीं खा रहा है तो क्या किया जाता है, उसको फेवरेट डिशेज दिया जाता है, जो उसका फेवरेट खाना है उसको वो दिया जाता है ताकि वो खाए। तो ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेज, वो अपना फेवरेट खाना खाने से भी मना कर दिया। ठीक है, एंड वुड हैव बॉट ऑफ वॉमिटिंग, और बार बार उसे उल्टी के दौरे पड़ रहे थे। ट्रिकी डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक और डू एनी थिंग एट ऑल, मतलब ट्रिकी ना ही टहलने और ना कुछ करने जाने के लिए तैयार था, मतलब टहलने और कुछ करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। ठीक है, और वो आप उसको क्या हो रहे थे, बार बार उल्टी के दौरे पर रहे थे। इस चीज़ को देखकर मिस्टर जो पम्फेरे हैं, जो अमीर लेडीज है इस चैप्टर में, अमीर महिला है, वो क्या है, वो चिंतित है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के आखिरी में बता दूंगा कि कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिएगा। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं फिर आंसर को समझेंगे। व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, वो मिसेज पम्फेरे जो रहती है ट्रिकी को मदद करने के लिए क्या करती है। इज सी वाइज इन दिस, और जो वो करती है क्या वो बुद्धि भरा हुआ रहता है, बुद्धि भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सी कॉल द वेटरिनरी डॉक्टर, वेटरिनरी मतलब पशु चिकित्सक हो जाते हैं, वेटरिनरी डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी एंड हर डिसीजन वाज वाइज, मतलब ट्रिकी जो मिसेज पम्फेरे क्या करती है कि एक वेटरिनरी डॉक्टर को बुलाती है और उसकी मदद किसके मदद के लिए, ट्रिकी की मदद के लिए। तो सी कॉल द वेटरिनरी डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी, मतलब ट्रिकी की मदद के लिए वो एक वेटरिनरी डॉक्टर को बुलाती है। एंड हर डिसीजन वाज वाइज, और उसका जो डिसीजन रहता है वो बिल्कुल बुद्धि भरा हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा। बिकॉज आफ्टर दिस द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, मतलब जब क्योंकि जब डॉक्टर आ जाता है तो देखने के बाद डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, सुझाव देता है कि आप इसको क्या कीजिए, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए, अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। ठीक है, सी लेट द डॉग गो विथ द डॉक्टर, और वो जो मिसेज पम्फेरे रहती है वो मिस्टर हेरियट यानी जो डॉक्टर है, इसमें वेटरिनरी सर्जन है, वेटरिनरी डॉक्टर है, उनके साथ वो कुत्ते को जाने देती है। आगे देखिएगा। एंड द डॉक्टर सक्सेडेड इन करिंग ट्रिकी, सक्सेडेड इन करिंग ट्रिकी, मतलब जो डॉक्टर होते हैं मिस्टर हेरियट विथ डॉक्टर उस जाने देती है। एंड द डॉक्टर सक्सेडेड इन करिंग ट्रिकी, और ट्रिकी को ठीक करने में, इलाज करने में सफल हो जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी,
इस स्टोरी में, इस कहानी में आई किसके लिए प्रस्तुत किया गया है, किसको आई से संबोधित किया जा रहा है। तो मिस्टर हेडियोट आप लिख सकते हो, यहाँ पर जेम्स हेडियोट लिख सकते हो, जेम्स हेडियोट राइटर के नाम है। इस चैप्टर में आपको मिस्टर हेडियोट करके देखने को मिलेंगे। तो मिस्टर हेडियोट इज़ द आई इन दिस स्टोरी, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या जेम्स हेडियोट इज़ द आई इन दिस स्टोरी, मतलब जेम्स हेडियोट को इस कहानी में आई से प्रस्तुत किया गया है, आई से संबोधित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर चार नंबर क्वेश्चन है। इज द नोरेटर एज रिच अ ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या जो नोरेटर मतलब कथावाचक होते हैं वो ट्रिकी के मालकिन से अमीर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो, नहीं, द नोरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जो नोरेटर होते हैं वो ट्रिकी के मालकिन से अमीर नहीं होते हैं, जैसे जो मिसेज पम्परे है, मिसेज पम्परे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो एक बार जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है फिर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, मतलब डॉग को वो किस प्रकार से ठीक करते हैं। तो जेम्स हेरियोट ट्रीट ट्रिकीज जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग, मतलब जेम्स हेरियोट क्या करते हैं कि उसी प्रकार से ट्रिकी को ठीक करते हैं जैसे कि वो एक ओवरवेट मतलब अधिक वजन और एंड लेजी डॉग को ठीक करते हैं, मतलब एक आलसी और अधिक वजन वाले कुत्ता को जिस प्रकार से वो ठीक करते हैं उसी प्रकार से वो ठीक करते हैं। विच ट्रिकी, जैसा कि ट्रिकी है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जेम्स हेरियोट ट्रीट ट्रिकी जस्ट लाइक, वैसे ही ठीक करते हैं। ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग, जिस प्रकार से वो एक अधिक वजन वाले कुत्ते और लेजी डॉग को ठीक करते हैं उसी प्रकार से वो ट्रिकी का भी इलाज करते हैं। विच ट्रिकी इज, जैसा कि अभी ट्रिकी है एक ओवरवेट और लेजी डॉग बन गया है, ठीक है। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल। अब इसका मतलब समझिएगा, ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक, मतलब उसका खाना खाने का जो खान पान था उसमें वो क्या करते, कटौती कर देते हैं, उसका खाना खाना बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, और उसको बहुत कड़ी निगरानी में हॉस्पिटल के, फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल, बहुत कड़ी निगरानी में हॉस्पिटल के शुरुआती दिनों में उसको रखते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, हिज हेल्थ showed quick improvement when his diet was controlled, जैसे ही उसका वो डाइट कंट्रोल करते हैं, उसका मतलब खान पान में उसको कमी करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसका जो हेल्थ होता है बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होता है, बहुत तेज़ी से वो ठीक होने लग जाता है। ही वॉज अलाउड टू प्ले विथ अदर डॉग एज वेल विच गेव हिम सम एक्सरसाइज, मतलब क्या होता है, यहाँ देखिएगा, इस चीज़ शायद लाइन आप लोगों को नहीं दिखा होगा। ही वॉज अलाउड टू प्ले विथ अदर डॉग्स एज वेल विच गेव हिम सम एक्सरसाइज, मतलब यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या करते हैं, दूसरे कुत्तों के साथ ट्रिकी को खेलने का परमिशन दे देते हैं, ठीक है। अब जब देखते हैं कि ठीक होने लगा तो दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए परमिशन दे देते हैं, और इससे क्या होता है कि ट्रिकी को एक्सरसाइज करने का भी मौका मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिएगा, Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? क्यों वह चाहते हैं कि जो ट्रिकी है उनके पास परमानेंट गेस्ट की तरह रहे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा उसको देख लीजिएगा। He is tempted to keep Tricky on as a permanent guest. वो चाहते हैं कि ट्रिकी उनके पास एक परमानेंट गेस्ट की रहे। Because as soon as Mrs. Pompere heard that Tricky was convalescing रिपीटली, मतलब जैसे ही मिसेज पम्परे सुनती है कि उनका जो डॉगी है ट्रिकी है वो उसका स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार आ रहा है, सी सेंट इन 2 dozen फ्रेश एग्स एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ठीक है। आगे मैं दिखा देता हूँ ट्रिकी स्ट्रेंथ, पूरा लाइन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मतलब वो क्या करते हैं, मिसेज पम्परे क्या करती है कि ट्रिकी को दो दर्जन अंडा, फ्रेश अंडा, ताज़ा अंडा उसको भेजती है ताकि उसका जो स्ट्रेंथ, उसके शरीर में ताकत आए, ठीक है। आगे देखिएगा, ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ठीक है। मिस्टर हेरियोट एंड हिज पार्टनर्स वुड हैव अ रॉयल ब्रेकफास्ट ऑफ 2 eggs डेली,
मतलब मिस्टर हेरियोट और उनके जो पार्टनर, उनके जो कर्मचारी लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डेली मतलब रोयल एक तरह से ब्रेकफास्ट करते हैं। उन लोगों को 24 अंडा मिलता है, जो कि ट्रिकी को तो वो लोग केवल मतलब बहुत कम खाना देकर उसको मतलब उसको वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहता है तो उसको एक्सरसाइज करवा कर उसको ठीक करते हैं, तो वो लोग अंडा खा लेते हैं और ब्रेकफास्ट और उसके नाम पर वो लोग कर लेते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज द फ्रेश एग्स, वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग को जो ताज़ा अंडा मिल रहा है वो उनसे छूटे या उनको ना मिले, उसको उन लोग खोना नहीं चाहते हैं। वाइन्स एंड ब्रांडी, वाइन्स मतलब क्या हो जाता है, शराब हो जाता है, ब्रांडी मतलब मदीरा हो जाता है, एक तरह से शराब उसको भी बोल सकते हैं। विच ही इज गेटिंग इन ट्रिकी नेम, जो लोग जो चीज़ वो लोग ट्रिकी के नाम पर वाइन्स ब्रांडी और फ्रेश एग्स ले रहे थे उसको वो लोग खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, साथ में उसका आंसर है। ठीक है, अब इसका क्या क्वेश्चन, क्या आंसर होगा उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हाई डज मिसेज फम्पेडे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ड्रीम ऑफ सर्जरी, मिसेज फम्पेडे को क्यों लगता है कि जो डॉग को बचाना, जो रिकवर किया गया, एक सर्जरी की जीत हुई है, क्यों लगता है? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। मिसेज फम्पेडे थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ड्रीम ऑफ सर्जरी, मिसेज पंपरे सोचती है कि जो ये डॉग को बचाना, डॉग को वापस बचाना एक मतलब सर्जरी की जीत हुई है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इन 2 वीक्स, क्योंकि 2 सप्ताह ट्रिकीज हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली, ट्रिकी को पूरी तरह से स्वस्थ होने में 2 सप्ताह लग गए, एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इंटू अ हार्ड मसल एनिमल, और तभी जाकर वो एक हार्ड मसल वाला एनिमल बन पाया। मतलब वो तो पहले क्या था, उस पूरे तरह से मोटा हो गया था, उसका पाँव तक नहीं दिख रहा था। ठीक है, आगे देखिएगा। सी वाज ऑफ द ओपिनियन डैट देयर वेयर वेरी लेस चांसेस ट्रिकी रिकवरी, ट्रिकी को बचाना बहुत कम चांसेस, मिसेज पंपरे को लगता था कि ट्रिकी को बचाना बहुत कम चांसेस है। ठीक है, ट्रिकी को बचाना बहुत कम चांसेस है। ठीक है, व्हेन ट्रिकी सो हर, जैसे ही ट्रिकी मिसेज पंपरे को देखता है, ही लिफ्ट इनटू हर लैप, वो उनकी गोद में कूद जाता है, एंड लिक्ड हर फेस, और उनके फेस को चाटने लग जाता है, चेहरा को चाटने लग जाता है। सी वॉज सो एक्साइटेड डैट टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग आउट ऑफ हर आईज, इस खुशी में उनके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर था। अब हम लोग थोड़ा सा थिंक अबाउट इट के बारे में भी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर है उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर ही शुरू करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर वेटरिनरी सर्जन इज, वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज कॉमन फुल कॉमन सेंस, मतलब किस प्रकार का जो नरेटर रहता है, जो कथावाचक एक वेटरिनरी सर्जन रहता है, पशु चिकित्सक रहता है, वो किस प्रकार का आदमी रहता है? क्या आप कह सकते हैं कि टैक्टफुल मतलब वो एक विनम्र आदमी रहता है, और फुल कॉमन सेंस मतलब उसके पास पूरी समझ बूझ रहती है? ठीक, क्या आप कह सकते हैं कि वो एक विनम्र और पूरी तरह से समझने वाले, पूरी तरह से अच्छी समझ, मतलब क्या बोल सकते हैं कि समझ बूझ वाले आदमी होता है? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर है, आई थिंक द नरेटर अ वेटरिनरी सर्जन, हम लोग सोचते हैं मुझे लगता है कि जो नरेटर, जो कथावाचक हैं, वो एक वेटरिनरी सर्जन है। सिम टू बी अ प्रैक्टिकल एंड टैक्टफुल पर्सन, वो एक विनम्र और मतलब क्या अच्छे व्यवहार वाले इंसान है। ही नोज हाउ टू डील विथ पीपुल, वो जानते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है। ठीक है, ही एडजस्ट हिमसेल्फ वेल टू द सरकमटेंस, ठीक है, वो अपने सरकमटेंसेस मतलब वो क्या करते हैं, वो अपने आप को जो भी परिस्थिति रहता है उस रूप में वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, अपने उस परिस्थिति में अपने आप को ला पाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड ट्रिकीज प्रॉब्लम, वो बहुत जल्दी ट्रिकी की जो भी तकलीफी थी, जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसको वो समझ पाते हैं। ट्रिकी डजंट सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस, ट्रिकी किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज़ों से वो मतलब किसी भी बीमारी से वो ग्रसित नहीं था। द मेन काउज ऑफ हिज इलनेस इज ओवर फीडिंग,
जो ट्रिकी का सबसे बड़ा कारण था, उसका बीमार होने का सबसे बड़ा कारण था, वो था ओवर फीडिंग। ओवर फीडिंग मतलब ज़्यादा खाना खाना, ठीक है। ही टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी, और वो उस डॉग को सर्जरी के लिए ले लेते हैं, ठीक है। देयर द डॉक्टर कीप्स हिम ऑन वाटर डाइट एंड मेक्स हिम फिजिकली एक्टिव एंड ट्रीट विदाउट एनी मेडिसिन। अब इस लाइन का मतलब समझिएगा, देयर द डॉक्टर, और वहाँ पर क्या करते हैं डॉक्टर लोग, क्या करते हैं कि उसको पानी डाइट केवल पानी पे रखते हैं, पानी उसको केवल देते हैं, और उसको मतलब फिजिकली एक्टिव करते हैं। जैसे कि वो आलसी हो गया था, तो आलसी हो गया तो दूसरे कुत्तों के साथ, अब वो कुत्तों के साथ खेलने का मौका मिल जाता है उसको, एक्सरसाइज उससे करवाते हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार का उसको कोई भी दवा नहीं दिया जाता है, बिना दवा को उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। द डॉग गेट्स वेल अंडर हिज सुपरविजन, मतलब बहुत कड़ी क्या बोला जाता है वो देख रेख में, ठीक है, देख रेख एंड नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ सर्जरी। मतलब जो डॉग होता है बहुत जल्द ठीक हो जाता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट उसको मिल जाता है, साथ में उसको क्या होता है उसको देख रेख किया जाता है, ठीक है, तो उससे वो जो डॉग रहता है ट्रिकी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ पर ये दो नंबर क्वेश्चन है। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, वाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। मतलब ट्रिकी जो होता है वो क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रिकी घर जाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, और वो क्या करता है, ठीक है। आगे देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, यस ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम, ट्रिकी घर जाकर बहुत खुश होता है। ट्रिकी वॉज ऑल्सो हैप्पी एट द सर्जरी, ट्रिकी सर्जरी से भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक है। वेन द डॉग वॉज ब्रॉट इन टू द सर्जरी, मतलब जब उसको सर्जरी के लिए लाया जाता है, इट वॉज इल, तब वो बीमार होता है। बट इन स्पीड ऑफ इट डॉग गोट कर्ड इन टू डेज, मतलब लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो दो दिन में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, विदाउट एनी मेडिकेशंस, बिना किसी दवा के, ठीक है। द प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प अ लॉट इन स्पीडी रिकवरी, मतलब उसको एक प्रॉपर डाइट, किस तरह से उसको खाना देना है, कितना खाना देना है, इस तरह का मैनेज करके और उसको रेगुलर एक्सरसाइज करवाकर बहुत जल्द उसको ठीक कर दिया जाता है। द डॉग रीगेंड इट्स बेस्ट हेल्थ, वो बहुत जल्द अपना मतलब अपना जो भी स्वास्थ्य था उसको वो वापस से पा लेता है। एंड वॉज नो लॉन्गर लिस्टलेस, और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो अपना जो उदास हो जाता है उस उदासीन से वो उभर जाता है, उदासीन उससे दूर चला जाता है। नाउ आई थिंक सेम पैम्पेरिंग विल स्टार्ट अगेन, मतलब उसको फिर से वो प्यार दुलार उसको मिलने लग जाता है। मिसेज पंपरे विल टेक एक्सेसिव केयर ऑफ द डॉग, और मिसेज पंपरे उसको बहुत अच्छा से ख्याल रखती है। देयर इज नो डाउट इट वॉज हर एलोन, और उसको कभी मतलब उसके सिवा और उसके पास मतलब मिसेज पंपरे को ऐसा नहीं था कि उसके सिवा और कोई उसके साथ है, ठीक है। बट एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज हार्मफुल, लेकिन कोई भी चीज़ किसी के लिए बहुत ज़्यादा, किसी का केयर भी करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। जिस प्रकार से ट्रिकी का वो केयर करती है, बहुत ज़्यादा उसको खाना खिलाती है ताकि वो मजबूत, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा मजबूती आए, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है ट्रिकी एक ओवरवेट डॉग हो जाता है, साथ में वो और लेजी भी हो, मतलब क्या उसका पूरा शरीर मतलब भारी हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मेर फिक्शन, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, मतलब ये जो कहानी है, ठीक है, एक रियल लाइफ एपिसोड, आप क्या सोचते हैं कि एक रियल लाइफ एपिसोड है या एक मेर फिक्शन, एक कल्पना भरा है, केवल कल्पना के लिए है, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, मतलब या दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उसको देख लीजिएगा, दिस स्टोरी कुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ये स्टोरी जो है एक मिक्सचर ऑफ बोथ हो सकता है, रियल लाइफ एपिसोड एंड अ मेर फिक्शन का, एक कल्पना का और रियल लाइफ एपिसोड का, मतलब असलियत का, ठीक है। चलिए तो इसका आगे बढ़ते हम लोग, मिसेज पंपरे इज अ रिच लेडी, मिसेज पंपरे एक अमीर महिला रहती है, एंड हैज अ पेट डॉग, और उनके पास एक पालतू डॉग होता है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ हर ओवर इंडलगेंस, और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, डेट सी ओवर फीड, और उसको बहुत ज़्यादा खिलाती है हर डॉग, विच इज रिजल्ट इन हीज बींग ओवर वेट एंड रेस्टलेस, और जिसके कारण वो जो कुत्ता है वो ओवर वेट हो जाता है, उस अधिक वजन वाला हो जाता है और रेस्टलेस हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा,
ऑल्दो हर रेस्टलेस मतलब बेचैनी हो जाता है, ठीक है, बेचैनी भरा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अधिक वजनदार और बेचैनी जैसा रहने लग जाता है, ठीक है। ऑल्दो हर इंटेंशन, हालांकि उनका इरादा वाज नॉट रॉन्ग, उनका इरादा जो रहता है वो बिल्कुल गलत नहीं रहता है, बट एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज बैड, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखभाल करना भी गलत हो सकता है, ठीक है। और ठीक है, आगे देखिएगा, दिस एपिसोड कैन बी ट्रीटेड एज अ फिक्शन, आप इस एपिसोड को एक तरह से फिक्शंस भी बोल सकते हैं, कल्पना भी बोल सकते हैं, उन लोगों के लिए, फॉर दोज उनके लिए, ठीक है, आगे थोड़ा सा शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, फॉर दोज उनके लिए हु डू नॉट टेक थिंग्स सीरियसली, जो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, एट द सेम टाइम इट कैन बी कॉल्ड अ रियल लाइफ एपिसोड, और इसको आप एक रियल लाइफ एपिसोड भी बोल सकते हो, ठीक है, आगे देखिए, फॉर द पीपल हु टेक एक्सेसिव केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, जो लोग अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब केयर करते, बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, और एंड दोज स्पॉइल देयर हैबिट्स, और उसके जो आदत होते हैं उसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर था, इसको आप लोगों को पूरा नोट कर लेना है, याद कर लेना है, साथ में आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी इसका देखने को मिल जाएगा, PDF फाइल भी देखने को मिल जाएगा, आप लोग वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों को वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि डेली आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा दूँ, डेली आप लोगों को लिए एक वीडियो बनता जाए, ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहाँ देखिएगा, आप लोगों का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से, चार क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, चारों क्वेश्चन भीरी भीरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो कौन कौन से क्वेश्चन है उसको देख लीजिए आप लोग, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, भीरी भीरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अभी से आप लोग टिक लगा कर रख लो, भीरी भीरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज मिसेज फम्परे वरीड अबाउट ट्रिकी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो डॉग को किस प्रकार से ठीक करते हैं, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है जी, वो देख लीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, वाई इज ही टेम्पेटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा, और एक क्वेश्चन और है, मैंने बोला ना चार क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को इन चारों क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को लिखना है, सभी लोगों को वीडियो को पूरी तरह समझना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी समझ पाए, जहाँ पर अगर कुछ लोग आप लोगों को कमी लग रहा हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप लोग को नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है, ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।